हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया ब्लॉग पे। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अभी मैं जाऊंगी लाकड़ी लेने के लिए। कल रात को बहुत ही तेज़ी से हवा आ गया था, उसकी वजह से शायद थोड़ा लाकड़ी जो था पेड़ पे जो मरा हुआ रहता था वो शायद गिर चुका होगा। मैं अभी उसको लेने के लिए जाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा लकड़ी लेने के लिए। कल रात को इतना तेज़ी से हवा आ गया, तो उसके हवा के वजह से थोड़ा गिर भी चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आ गया, एकदम घर के पास है। ये रहा देखो, कल रात की हवा की वजह से ये गिर गया। तो अभी मैं इसको काट कर लेके जाऊंगी घर पे। तो मैंने काट भी लिया और मुझे इतना मिल गया। और ये रहा, एक ले जा रही है मेरे छोटे भाई। तो दोस्तों, जो लकड़ी था उसे मैं लेकर भी आ चुकी हूँ घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ आम का पत्ते चटनी बना के खाने वाला हूँ आज मैं खाने में, तो उसे लेने में जाने वाला हूँ अभी। तो आप सब लोग वीडियो को देखते रहिए। ये रहा, इसमें मैं लेकर आऊँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ आम का पत्ते तोड़ने के लिए। ये रहा, तो दोस्तों मुझे इतना मिल गया अभी। तो यहाँ पर बना रही है दीदी खाना। अभी दीदी तो खाना बना रही है, मेरा जो मैं बनाऊंगा ये चटनी, मैं इसको सब करता हूँ। पहले इसको मैं सब कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं काट दूंगा। तो इसको मैं दो भी लिया और इसको मैं काटूंगी। तो अभी मैं ये काट चुका हूँ, अभी इसको मैं बनाऊंगा। पहले नमक दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा तेल दे दूंगा। तो अभी ये बन चुका है, देख सकती हो। ये रहा आम का पत्ते का चटनी और ये मिर्ची, ये भी पता नहीं और ये क्या, ये भी मुझे पता नहीं। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। और आम का पत्ते का चटनी किसी ने भी अगर नहीं खाया तो खाकर जरूर देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों मुझे अभी यहीं पर मेरे वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी ख़त्म होने वाला है। बस 2% है, हमारे घर पे बिजली नहीं है, मुझे और कहीं और जाना पड़ेगा मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए। रात को भी तो वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए चार्जिंग भी होना ज़रूरी होगा ना मोबाइल पे। तो अभी मैं धूप में जाना पड़ेगा अभी। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। तो वीडियो पर जो नया है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ कल एक और ब्लॉग के लिए।